ई माई यूट्यूब फैमिली, तो चेक होम ब्लॉग्स में आपका वेलकम है। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो यहाँ पे आज मैं किचन की कुछ टिप्स लाई हूँ। तो जैसे मेरा ये ग्रोसरी का सामान आया हुआ है, तो यहाँ पे आप पहले चीज़ों को निकाल के अच्छे से जो आपने चीज़ें मेंशन की थी, लिखी थी, तो उन्हें अच्छे से मिला ले कि सारी चीज़ें आ गई हैं। और चीज़ों को मिलाने के बाद आप उनके जो प्राइस की लिस्ट है वो भी अच्छे से रख ले, ताकि बाद में आप अच्छे से जब बैठे रहें तो आप उन्हें मिला ले कि सही प्राइस है या नहीं। उसके बाद आप उन चीज़ों की जो जो भी एक्सपायरी डेट की है, तो उन्हें आप अच्छे से चेक कर ले कि एक्सपायरी डेट कितने की है और कब की है, मैन्युफैक्चरिंग कब की है, तो आप ये अच्छे से चेक कर ले। तो यहाँ पे मैं सबकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट चेक करके सबको अच्छे से रख रही हूँ। उसके बाद सबको मैं फिल कर दूँगी, जो चीज़ें फिल करने की होंगी उन्हें मैं सबको अच्छे से फिल कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं एक्सपायरी डेट चेक कर रही हूँ। साइकिल छापने वाले लिया कि धूप है, तो ये हम शाम में डेली जलाते हैं भगवान के आगे, जो बहुत ही अच्छी होती है इसकी खुशबू, और इसे जलाना भी चाहिए, तो इसे हमें यूज़ करना चाहिए शाम में भगवान के आगे, या फिर हॉल में आप जला के रख दो तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी, तो इसे आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं अब सब चीज़ों को फिल करूँगी, तो यहाँ पे मैं जो भी जार है, कंटेनर है, तो उसे अच्छे से साफ़ करके पोंछ के और उसमें सारी दालें जितनी भी हैं सबको फिल कर दूँगी। अब ये जो भी हैं चना, मटर, मूंग, तो इसके लिए मैंने एक स्टोरेज बॉक्स कंटेनर लिया है जिसमें चार ऑर्गेनाइज़र बने हुए ये सेट हैं, तो इसके अलग अलग फूलने वाले भी है ढक्कन, तो इसे मैं अलग अलग फिल कर दूंगी और ये लेने में भी इजी हो जाता है। तो आप देख सकते हो मैंने एक में मटर डाला, एक में मूंग और एक में चना डाला, इस टाइप से मैं इसे डाल लूँगी। आप इसमें चार चीज़ें फिल कर सकते हो बस, तो आप इसे डाल के, और ये फिर ख़राब भी नहीं होंगे जल्दी और अलग अलग रहेंगे, और एक ही चीज़ आप निकालो तो चारों चीज़ें मिल जाएंगी आपको। तो इस तरह के आप कंटेनर यूज़ कर सकते हो, ये देख सकते हो आप। पे जो मैंने दालें, जो मैं रोज़ दाल मैं यूज़ करती हूँ, तो उन तीनों को मैंने तीन दाल को मिक्स कर लिया है अच्छे से, ताकि मुझे इजी रहे खाना बनाने के टाइम में, मुझे मिलाना ना पड़े। तो मैं मिला के रख देती हूँ चना दाल, मूंग दाल और अरहर दाल को मिक्स करके एक कंटेनर में रख देती हूँ, और जो भी दालें रहती हैं अलग अलग करके रख देती हूँ। तो ये मैं थोड़ी सी मिक्स करके निकाल लेती हूँ ताकि ईजी रहे खाना बनाने में, तो मुझे बार बार निकालना नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप भी कर सकते हो कंटेनर में फिल करके। और गाइस, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो करें, प्रिस्टी चौधरी से मेरा इंस्टा आईडी है, तो आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट टाइम मैं फिर इसी तरह अच्छे वीडियो लेके मिलूँगी आप लोगों से। बाय बाय।